अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका फोन पे वॉलेट में बैलेंस है तो फोन पे वॉलेट से बैलेंस को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका फोन पे वॉलेट में बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है यानी ऑटो टॉप अप हो जाता है तो इसको आप लोग कैसे बंद कर पाएंगे ये भी बताएंगे। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को बिना स्किप करके शुरू करते हैं। अभी दोस्तों, आपका बैलेंस को सीधा आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको आपका कोई भी एक फ्रेंड का जरूरत पड़ेगा। ये पर जो बारकोड है, इस बारकोड को देखिए, ये मेरा एक फ्रेंड का है, ठीक है। तो आपको आपका कोई भी फ्रेंड के पास जाना होगा जिसका फोन पे बिजनेस है, ठीक है। तो ये मेरा फ्रेंड का बारकोड है। तो अभी क्या करेंगे, ये पर मेरा मोबाइल की स्क्रीन में देखिए, आपको फोन पे खोलना होगा। और फोन पे खोलने के बाद में, फोन पे जैसा ही ओपन हो जाता है उसके बाद में जो बारकोड स्कैन का ऑप्शन होता है जहां से आप स्कैन करके पे करते हैं, तो उस स्कैनर को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर मैंने स्कैनर पर क्लिक कर दिया है, अभी स्कैनर ओपन हो गया है। अभी क्या करना होगा, आपका वो जो फ्रेंड का बारकोड है उसको स्कैन करना होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने स्कैन कर दिया है। स्कैन करने के बाद में यहाँ पर अमाउंट डालना होगा, आपका फोन पे वॉलेट में जितना सारा बैलेंस है, अगर आप चाहे तो पूरा बैलेंस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरा वॉलेट में 110 रुपया है, तो 110 रुपया हमने डाल दिया है। अभी सीधा आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए, तीन ऑप्शन है। एक है फोन पे वॉलेट बैलेंस, यहाँ पर देखिए अवेलेबल बैलेंस 110 रुपया है और हम 110 रुपया ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से। तो ये ट्रांसफर अभी हो गया है। अभी क्या करना होगा, आपको फ्रेंड को बोलना होगा कि मैंने तेरे को इतना रुपया ट्रांसफर करके दे दिया है, तो अभी मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे दे। तो इसी प्रोसेस से आपका जो फोन पे वॉलेट का बैलेंस है इसको उठा पाएंगे, वरना तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दोस्तों, अगर आपका वॉलेट में ऑटोमेटिकली टॉप अप हो जाता है, इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फिर से मेरा फोन पे में देखिए, यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल है, ठीक है, लेफ्ट साइड में ऊपर में आपका प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑटो पे सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना होगा। ऑटो पे सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए, फोन पे वॉलेट ऑटो टॉप अप, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे में एक ऑप्शन से यहाँ पर देखिए, ऑटो पे रिमूव ऑटो पे, तो रिमूव ऑटो पे पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ से कंफर्म कर देना होगा। और यहाँ पर आपका जो पिन है वो डाल देना होगा, ठीक है, मेरा पिन मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए, ऑटो पे रिमूव हो गया है। और जैसे ही ऑटो पे रिमूव हो जाता है, उसके बाद में दोबारा कभी भी आपका बैंक अकाउंट से आपका पैसा वॉलेट में नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।